बैग बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे, पीटीआई रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर अख्तर मलिक और मियां तारिक अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया गया है और 9 मई के वाकयात की मुजम्मत की गई है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका मकसद तो सब दोस्तों को पता है। 9 मई के हवाले से सब बात कर रहे हैं, तो 9 मई का दिन पाकिस्तान की तहरीक का एक सियाह दिन था और मैं उस दिन को एक तो कंडम करता हूँ, उसकी पुरजोर मरम्मत करता हूँ और पाकिस्तान इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से अपनी अलग की गह याद करता हूँ। और एक बात मैं यहाँ पर तय करना चाहूँगा कि ना सिर्फ आप, क्योंकि अक्सर आप आपका सवाल करते हैं कि आप पर कोई प्रेशर है इस हवाले से आप कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये बात करूँगा, मुझे 30 साल हो गए इस पाकिस्तान की पॉलिटिकल का वीजा नहीं हुए। मेरे फेसबुक अकाउंट पे उठा के देख रहे हैं जितने मेरे से व्यूज आए हैं, 2002 में मुशरफ के बाद जो वाकयात हुए थे, मैंने उस वक्त भी तमाम अपने जिस जमात में था, अपने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उनको मैंने कहा था कि कौमी इदारों के साथ टकराव हमें नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान की सलामती के जो इदारे हैं उनके साथ हमारा टकराव नहीं बनता। ये लगाए वक्त में जंग अखबार में आज से 20-25 साल पहले मेरे तमाम इंटरव्यूज ऑन बिगाड़ रहे हैं। इस वजह से जब भी सियासत हमारी उस वक्त चलती है कि जब पाकिस्तान में पाकिस्तान खुदा खासा अगर नहीं है तो यहाँ पर ना सियासत है और ना कुछ है, तो 9 तारीख को हमारी कौमी सलामती इदारों पर हमला किया गया है। उसी दिन जैसे ही मुझे खबर मिली कि इस तरह के वाकया हो रहे हैं, मैं ना खुद उनमें मैंने शिरकत की है बल्कि अपने तमाम दोस्त जो जो जहाँ पर आया था सबको मैंने वहाँ से कहा कि जहाँ से डिस्पर्स हो जाए अपने अपने घरों को चले जाए, क्योंकि ये अब जो शख्स सामने हैं एक रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारी सियासत नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत में एक बात करने का कि शख्स सामने नहीं है। मैं एक दफा फिर 9 दिन का जो वाक्य है उसकी पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ और बड़े दुखी दिल से, क्योंकि इस जमात को हमने बड़ा मेहनत से बड़ी मेहनत की थी इस जमात के लिए और बड़ा दिखी दूर से आज हम ऐलान कर रहे हैं कि हम तरीके इंसाफ से मैं अलग ही करवा भी कर रहा हूँ, उसकी टिकट भी वापस कर रहा हूँ और अब 600 के विषय मैं कर सकता हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़खर जमान खान है, मैं चेयरमैन मार्केट कमेटी शुजाबाद। मैं 9 तारीख वाले वाक़े की कंडक्ट करता हूँ और आज से पीटीआई से ला तल्की का ऐलान करता हूँ। मेहरबान। पाकिस्तान तहरीक इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। डॉक्टर अख्तर मलिक ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। उनकी जानिब से कहा गया कि सियासत से किनारा कशी का भी ऐलान करता हूं, जबकि 9 मई के वाकयात की सख्त मुजम्मत करता हूं। उनके साथ साथ मियां तारिक अब्दुल्ला और फ़खर जमान खान ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया।